पहला जो मेरा क्रिएशन था वो एक लट्टू था, लोखंड का, यानी कि एमएस का लट्टू मैंने बनाया था। और लट्टू बनाने का आइडिया मुझे उस टाइम इसलिए आया था कि जब बच्चे, यानी कि मैं उस टाइम बच्चा ही था, जब हम खेलते थे तब खेलते खेलते लट्टू फट जाता था, लकड़ी का रहता था, तब वो प्रॉब्लम को नोटिफाइड किया था और सोचा था कि क्यों नहीं उसको लोखंड का बनाया जाए कि जो फटे ही नहीं और टूटे ही नहीं। कपास गुजरात की एक प्रमुख पैदावार है। इसके रुई का उपयोग वैसे तो कई तरह से होता ही है। कपास के बीजों से भी कपासिया तेल निकाला जाता है। तेल के साथ निकलने वाली खल्ली अपने आप में एक अलग उत्पाद है। मेहसाणा अहमदाबाद के बीच कड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कपासिया तेल व खल्ली उत्पादन करने वाली 50 मिलें है। लेकिन तेल पेरने वाली पारंपरिक मशीनों में होने वाली अत्यधिक ऊर्जा की खपत यहाँ के तेल मिल मालिकों की हमेशा से ही बड़ी समस्या रही है। कल्पेश गज्जर ऐसे ही माहौल में बड़े हुए और इस समस्या से भी अवगत रहे। ऑयल मिल की इंडस्ट्रीज में ज्यादातर जो खर्च था वो इलेक्ट्रिसिटी का था, तो वो कैसे कम किया जाए उसका ऑफर मुझे एक मेरे फ्रेंड ने दिया। वो खुद ऑयल मिल बनाना चाहता था। तुम भी कुछ सोचो ना कल्पेश भाई, तुम तो इतना कुछ करते रहते हो, कई नई नई चीजें बनाते रहते हो, तुम ही कुछ करो यार। मेरा मानना है कि एक्सपेलर में बिजली खपत को कम किया जा सकता है और प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पुरानी मशीन में क्या सुधार करना पड़ेगा। तो ऐसा कर, तू मुझे अपनी पुरानी मशीन दिखा दे। कड़ी आ जा कभी भी, यदि मशीन खोलना खालना चाहे तो देख लेना, कोई वादा नहीं है। ऑफर मिलने के बाद उसका डिजाइनिंग मैंने शुरू किया। डिजाइनिंग टोटली कैडकैम पे बनाया, बना के उसका मॉडल कंप्यूटर पे तैयार किया। मशीन में जो तेल निकालने के लिए मशीन बनाते उनका तेल निकल जाएगा, ऐसे ऐसे सब लोग बोलते थे, तो हमको भरोसा था। इसमें बेसिक साइंटिफिक थियोरी है कि पर्टिकुलर कन्वेंशनल मशीन में जो एक्सट्रूशन प्रोसेस है उसमें 1/3 पोर्शन उसका प्रोसेस साइकिल कुछ मिनट का बना है, तो उसका 1/3 पोर्शन ही एनर्जी यूज होता था और बाकी का जो पोर्शन था वो जो मटेरियल था उसका कन्वेयरिंग में चला जाता था। तो उसको हमने नोटिफाइड किया और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको मल्टी स्टेज बनाने पड़े, मल्टी पॉइंट डेवलप करने पड़े क्रशिंग के, कि जो कन्वेयरिंग पोर्शन है उसको भी यूटिलाइज कैसे किया जा सके। और ये मल्टी पॉइंट क्रशिंग डेवलप करने से वो जो वेस्ट ऑफ एनर्जी का जो पोर्शन था उसको हम यूटिलाइज कर पाए, जिसकी वजह से एनर्जी का जो व्यय होता था वो सेव हो गया। पेश गज्जर को तेल पेरने की मशीन में संशोधन कर ऊर्जा बचत में योगदान के लिए गुजरात सरकार ने डॉक्टर विक्रम साराभाई युवा वैज्ञानिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं सन 2001 में कल्पेश को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया।